लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम् लभेत। गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण और कीर्तन से तथा आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। आओ, इस शुभ दिवस पर हम सब श्रीमद् भगवद गीता के कुछ कल्याणकारी श्लोकों का पाठ करें। चौथा अध्याय, श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। चौथा अध्याय, श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। चौथा अध्याय, श्लोक 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। चौथा अध्याय, श्लोक 38। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मने विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। छठा अध्याय, श्लोक 6। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वो आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सातवां अध्याय, श्लोक 14। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात
अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। सातवां अध्याय श्लोक 15। न मां दुष्कृति नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। नवा अध्याय श्लोक 14। सततम् कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। नवा अध्याय श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। 18वां अध्याय श्लोक 71। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा।